दमोह शहर के एक दिव्यांग दंपति बीते 4 माह से विवाह पंजीयन के लिए नगरपालिका के चक्कर काट रहे हैं, लेकिन वहां पर तरह तरह के नियम कायदे बताकर उन्हें लौटा दिया जाता है, जिससे दोनों दिव्यांग दंपति और आर्थिक एवं मानसिक रूप से परेशान हो चुके हैं। दरअसल शासन की योजना अनुसार अंतरजातीय विवाह करने पर दिव्यांग दंपति को 1,00,000 रुपए की अनुग्रह राशि प्रदान की जाती है। इस राशि के लिए पहले विवाह पंजीयन की आवश्यकता है, इसके बाद ही राशि मिलती है। शहर के दिव्यांग दंपति जागेश सिंह पिता खिलान सिंह लोधी ने बताया कि वह दोनों पैरों से दिव्यांग है। 12 दिसंबर को उनकी शादी बिहार राज्य के पटना निवासी अमोला कुमार साव के साथ हुई थी। हम लोगों ने अखबार में छपे विज्ञापन के माध्यम से एक दूसरे से परिचित होकर शादी की थी। हम दोनों की जाति अलग अलग है, इस नाते शासन द्वारा हम लोगों को 1,00,000 रुपए राशि देने का प्रावधान है। इसके लिए उन्होंने नगर पालिका में समस्त दस्तावेज के साथ आवेदन जमा किया था, लेकिन वहाँ पदस्थ अधिकारियों द्वारा हमारे दस्तावेज गुमा दिए गए। साथ ही कहा जा रहा है कि आप लोग समन्ना बाईपास में रहते हो, इसलिए वहाँ से गवाह लेकर आओ। जब पीएम आवास स्वयं नगर पालिका ने बनाकर दिए हैं, नगर पालिका ही वहाँ पर बिजली पानी की व्यवस्था करती है, लेकिन हम लोगों को समन्ना गांव का बताया जा रहा है। जबकि जब आवेदन किया था उस समय कहा था कि तुम्हारे सभी दस्तावेज ठीक है। उन्होंने बताया कि उनकी पत्नी भी वैशाखी पर चलते हैं, इसके बावजूद भी हम लोगों को भटकाया जा रहा है। इस संबंध में सीएमओ भैयालाल सिंह का कहना है कि मुझे जानकारी नहीं है, मैं संबंधित शाखा से पता करता हूं। यदि दंपत्ति पात्र है तो उनका पंजीयन जरूर बनाया जाएगा। भारतीय न्यूज के लिए दमोह से चतुर्भुज बिट्टू दुबे की रिपोर्ट। हम बिहार से रहने वाली है, मतलब जागेश सिंह लोधी के साथ हमारी विवाह हुई थी। तो हम दोनों इसलिए है परेशान की हमारी विवाह पंजीयन जो है बनने के लिए दिया गया था और वो उन्होंने मतलब कि हटा दिया गया, उनका निरस्त कर दिया गया है, ठीक है ना। तो हम इसलिए परेशान है कि वो बन जाए हमें, और हम दोनों बहुत दिनों से परेशान हो रहे हैं इसके कारण से। क्या नाम आपका बताइए पता है? हमारा नाम जागेश सिंह लोधी है, और नए दमों में हमारा प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत मकान मिला था, उसी में निवास करते हैं। क्या समस्या आ रही है? हमारी शादी 12 दिसंबर को तो अमोला कुमारी के साथ में हुई थी, तो उसमें सबसे बड़ी समस्या विकलांग, हम दोनों चूँकि विकलांग हैं और विकलांग होने की वजह से सरकार की योजनाओं के तहत जो शासकीय लाभ मिलता है उसके लिए जो कागजों की ज़रूरत होती है, खासकर विवाह पंजीयन या विवाह प्रमाण पत्र, उसके लिए हम लोग ने आवेदन दिया था जो कि नहीं बन पाया है। विभिन्न प्रकार की समस्याएं आ रही हैं, और इसमें गवाह भी दिए गए थे, सब कुछ दिया गया था, इसके बाद भी हमारा विवाह पंजीयन को निरस्त कर दिया गया है, उसी के लिए हम लोग परेशान हो रहे हैं। शादी कब हुई थी आपकी? हमारी शादी 12 दिसंबर को नए दमों से ही संपन्न हुई थी। कितने माह हो गए अभी तक? शादी को संपन्न हुए में वही लगभग 4 माह हो चुके हैं। ठीक है। Subscribe now to most exciting channel ever.